इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा अवैध कॉलोनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं प्रशासन ने अब 34 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। इन सभी कॉलोनी में छोटे छोटे प्लाट बनाकर बिक्री की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक ये सभी अवैध पाए गए हैं, जिसके बाद कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही जमीन पर कब्जा करने और अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा भविष्य में इन भूमि की बिक्री दोबारा न हो, इसको लेकर भी खास तैयारी की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक इंदौर में शासकीय भूमि पर कब्जा करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन की टीम मुस्तैद हो गई है और कार्यवाही में जुट गई। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार अवैध कॉलोनी के निर्माण और अनियमितताओं पर नजर रख रही है। देखिए, अवैध कॉलोनियों के ऊपर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में 34 ऐसे प्रकरण आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे प्लॉट्स बनाकर बिक्री करी गई है अवैध रूप से। उन सभी 34 कॉलोनाइजर्स को शोकॉ नोटिस कॉलोनी नियम के तहत जारी किए गए हैं। उनका जवाब प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई कराई जाएगी। इसके साथ साथ जो FIR की कार्रवाई है वो तो कराई ही जाएगी। इसके साथ साथ उन भूमियों पर जहां पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग भू अभिलेखों में भी इसकी एंट्री करेंगे, जिससे भविष्य में उसकी खरीद फरोख्त भी ना हो सके और लोगों को फंसा कर इस तरीके से धोखे में ना डाला जा सके। देखिए, शासकीय जितनी भी भूमियां हैं उनके लिए हम लोग लगातार कानूनी दृष्टि से अपना जो पक्ष है वो मजबूती से न्यायालय में रख रहे हैं, और अगर कहीं पर हम लोग हार भी जाते हैं तो तत्काल उसकी अपील भी कर रहे हैं। और इसी के तहत पिछले 2-4 महीने में कई सारी जो बड़ी ज़मीनें हैं जो हम लोग नीचे से हारे हुए भी थे, उनमें या तो हमने स्टे लिया है या अपने पक्ष में फैसला कराया है। इसी कड़ी में खेड़ापति हनुमान लगभग 80 करोड़ की ज़मीन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा शासी घोषित किया गया। नगर निगम क्षेत्र में जो कॉलोनी आती है उसके लिए नगर निगम आयुक्त को प्रपत्र लिखे जाते हैं। सर, अभी तक नगर निगम आयुक्त के द्वारा 90 प्रकरणों में FIR दर्ज कराना नहीं पाया गया है, सर अब क्या होगा? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, नगर निगम के द्वारा भी लगातार कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं और हमारे यहाँ भी अगर कोई कलेक्ट्रेट में भी प्रकरण आता है तो वो भी नगर निगम के माध्यम से विधिवत कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं पर इस तरीके का कोई लैप्स है तो उसको रिव्यू किया जाएगा और निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करी जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।